Hello dear class 9th, 10th and NTSC Olympiad aspirants. 9th और 10th में सर्कल जो पोर्शन है आपका ज्योमेट्री का जो पोर्शन है वहाँ पे कुछ थ्योरम्स ऐसी हैं या कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग है, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आते। और स्टूडेंट्स को समझ इसलिए नहीं आते कि कई सारी छोटी छोटी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते। जैसे देर आर थ्री इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वन इज आर्क, वन इज सेगमेंट एंड वन इज सेक्टर। अब इन जनरल आप क्लास में चले जाओ, नाइन्थ क्लास में गए आप या टेंथ में गए, दोनों में से किसी में भी जाओ और आप उठा के पूछो दैट डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन आर्क, सेगमेंट एंड सेक्टर, बड़े अजीब अजीब से आंसर आएंगे। और यदि ये चीज किसी को नहीं आती है डेफिनेटली उसको सर्कल का अच्छा नॉलेज नहीं हो सकता है, वो फंस जाता है, ठीक है ना। तो इन सारी छोटी छोटी चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। कई सारे बच्चों ने इस पर्टिकुलर थ्योरम के लिए मुझे लिखा है, एटलीस्ट मेरे ख्याल से 600 स्टूडेंट्स हैड रिटन इट, ठीक है। जब प्रायोरिटी पे आ जाती हैं ये चीज़ें मुझे फील होता है कि हाँ ये डेफिनेटली बहुत जबरदस्त चीज़ है, तो फिर मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल जिसे कहते हैं ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे इसको ले आता हूँ कि चलिए यार बहुत लोगों को बेनिफिट होगा। तो पहले इस थ्योरम को क्या है इसे समझ लीजिए, ठीक है ना, फिर इसे प्रूव करते हैं। और आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि कंसेप्चुअली आपको बहुत स्ट्रांग करेगी, ठीक है ना। तो व्हाट आई एम सेइंग टू यू डियर स्टूडेंट्स, तो ये ए बी इट इज़ अ लाइन तो कह नहीं सकते आप यार, इट इज अ लाइन सेगमेंट। अब यदि मैंने कोई लाइन सेगमेंट बनाया तो ये लाइन सेगमेंट ए भी है और ये इसका अपर पोर्शन है और ये इसका लोअर पोर्शन है, मींस अबव द सेगमेंट एंड बिलो द सेगमेंट, ठीक है। नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू चूज टू पॉइंट्स, आई एम इंटरेस्टेड टू चूज टू पॉइंट्स ऑन टू द सिमिलर साइड ऑफ द सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट के सेम साइड पर मुझे दो पॉइंट चूज करना है, ठीक है। आपने कहा सर लेट इट इज सी, ये आर सी एंड लेट इट गोज आउट टू बीएसडी, तो आपने दो पॉइंट चूज तो किए लेकिन एक आपका इस लाइन सेगमेंट ए बी के अपर साइड पे है और दूसरा लाइन सेगमेंट ए बी के लोअर साइड पे है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मुझे चूज कैसे करना है कि आपके पास में ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है आपके ये दोनों पॉइंट्स उसकी सिमिलर साइड पे हों। इस समय यदि मैं सी को यहां ले लूं, ठीक है, तो आप कहेंगे सर दोनों लोअर साइड पे हैं, या मैं सी और डी को यहां ले लूं तो आप मुझे कहेंगे सर दोनों अपर साइड पे हैं, मीन मुझे इस लाइन सेगमेंट के सिमिलर साइड पे दो पॉइंट्स चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग टू यू कि मेरे जो दो पॉइंट्स मुझे सेलेक्ट करने हैं वो लाइन सेगमेंट की सिमिलर साइड पर होने चाहिए। सो इट इज सी हियर एंड इट इज डी हियर, एग्रीड। अब आपने एक एंगल बनाया ए सी डी, सॉरी ए सी बी, एग्रीड। सी इज द पॉइंट, डी इज द पॉइंट, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। आपने एक एंगल बनाया ए सी बी, दिस इज थीटा एंड ए डी बी, दिस इज गोइंग टू बी एस फाई। और जब मैंने थीटा और फाई को मेजर किया देन थीटा इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू व्हाट फाई। तो थ्योरम क्या कहता है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू फाई देन ए बी सी डी दीज फोर पॉइंट शुड बी कॉनसाइक्लिक, These four points should be concyclic. ये points कैसे होने चाहिए, concyclic होने चाहिए। अब concyclic का meaning क्या है, that they should be onto the circumference of a circle. ये चारों point एक circle की circumference पे present होने चाहिए, A, B, 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 C, B, D, B. Do you agree with me? तो अब theorem समझ आ गई आपको, that there is a line segment and there are two points onto the similar side of line segment and then ACB and ADB means angles subtended by these points onto the line segment are equal, then you can say that these four points should be concyclic in nature, they should be onto the circumference of a circle, that I want to prove, agreed। अब आप जब इसे प्रूव करना चाहते हैं तो आपके कंसेप्ट्स देखो मुश्किल से एक आध दिन लगता है उसमें सुधर जाते हैं, बस आप में इच्छा होनी चाहिए कि सर आई वांट टू इंप्रूव माय सेल्फ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने लेट्स ड्रॉ सर्कल,
तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया एंड ये इसका सेंटर है, कोई ना कोई रेडियस होगी, मेरा इसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस समय, सो दैट इट इज अ सेंटर एंड देयर विल बी रेडियस ऑफ इट, बट दिस इज अ सर्कल यू आर व्यूइंग। अब मैंने ए बी एक लाइन सेगमेंट बनाया, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, बट आपको ये पता है कि ए बी लाइन सेगमेंट तो है लेकिन ये इस सर्कल के लिए इट इज बिहेविंग लाइक अ कोर्ड, ये कोर्ड भी की तरह बिहेव करता है। सो ए बी इज अ कोर्ड टू सर्कल, तो मैंने यहां लिखा, प्रूव कर रहे हैं हम इसको, ए बी क्या है आपके पास में, ए बी इज कोर्ड टू अ सर्कल। अब यदि आप मुझे कहोगे कि आई विल गो फॉर द आर्क, सो दिस इज गोइंग आउट टू बी सिंपली ये कर्व्ड पाथ, ये आर्क कहलाएगा, एग्रीड। और आप मुझे कहेंगे कि ये ए बी के ऊपर कंप्लीट पोर्शन क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। Is that clear? अब आपको एक एक चीज ध्यान होनी चाहिए, that this is AB, it is a chord, and this is going out to be is what it is the arc, or it will be a segment. तो आपको ये मालूम है कि for a given segment, the chord forms the equal angles. Mean मैं इस complete segment पे यहाँ से यहाँ तक, इधर देखिएगा ये पूरा पूरा ये आपके पास में आर्क है, ये ए से चलता है सी पे होता हुआ डी पे होता हुआ कहां पहुंचता है, बी पर। सो ए बी इज एन आर्क एंड इस आर्क पर आपका कोड ए बी क्या कर रहा है, ए सी डी एक एंगल फॉर्म करता है और यही कोड ए आपका ए बी ए डी भी एक एंगल फॉर्म करता है। How many angles are there? Two angles. समझ गया? So ACB is an angle, ADB is an angle. Angle formed by the common chord in a common arc. Agreed? और आपको ये पता है कि common chord ने common arc में यदि कोई angle बनाया है, then these angles will be equal. यहाँ कोई और भी लोगे ना, वो भी यही आएगा. So angle ACD is equals to it. एंगल ए डी बी एंड एंगल ए सी डी कितना है, इट इज थीटा, और ए डी बी कितना है, इट इज फाई, ये इक्वल है आपके पास में। सो थीटा डेफिनेटली एग्जैक्टली इक्वल्स टू क्या होगा, फाई होगा। अब मुझे बताइए इस समय ए बी सी डी कौन साइक्लिक है, कंफर्म है, और आपका थीटा किसके इक्वल है, फाई के। अब ध्यान से समझिएगा, ए दिखता है आपको ये रहा, बी दिखता है आपको ये रहा, सी दिखाई देता है ये रहा, डी दिखाई देता है ये रहा, लेट दीज आर कॉन्साइक्लिक, आपने इस समय अज्यूम किया है ना, है ना, और थीटा किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है, ये कंफर्म है, तो थीटा किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं डी को थोड़ा सा दूर ले जाऊं और डी मेरा यहां पहुंच जाए इस जगह पे, और किस फॉर्म में पहुंचे, ई के फॉर्म में। अब आपका डी कहां पर है, ई पर है, तो अब मैंने कहा डी मेरा यहां नहीं है, डी मेरा इस पोजीशन पे है ये रहा। तो आप मुझे कह सकते हैं सर ए बी सी ये तो कॉन्साइक्लिक है, ए बी सी तो कॉन्साइक्लिक है, लेकिन ए बी सी डी इस समय क्योंकि डी यहां आ गया तो ये कॉन्साइक्लिक नहीं है, या आपका डी यहां ना होके यहां होता तो भी आप मुझे कहते दैट ए सी और बी तो कॉन्साइक्लिक है, लेकिन ए बी सी डी इस डी की वजह से कॉन्साइक्लिक नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, डी अपनी पोजीशन को छोड़कर कहां चला जाए, ई पर चला जाए, डी अपनी पोजीशन को छोड़कर कहां चला जाए, ई पे, या डी अपनी पोजीशन को छोड़ के कहां चला जाए, एफ पे। तो ए बी सी डी कॉन्साइक्लिक नहीं होंगे, डी अपनी पोजीशन को छोड़कर कहां चला जाए, या तो ई पे या एफ पे, तो ए बी सी डी कॉन्साइक्लिक नहीं होंगे, कॉन्साइक्लिक नहीं होंगे। अब देखते हैं, डी ने अपनी पोजीशन छोड़ी और कहां चला गया, ई पर, और डी ने अपनी पोजीशन छोड़ी और कहां चला गया, एफ पर। एग्रीड, ए एफ डी ई स्ट्रेट लाइन। अब आपने कहा सर दिस इज ए एफ बी, ए बी कोड है,
AFB, it is angle 2. ADE, it is angle 5. And AEB, it is angle 1. यहां कौन था आपका, जल्दी से बताइए. इट इज सी, ये रहा. और ये एक एंगल था ऑलरेडी, इसे बना देते हैं. यहां टू लिख देते हैं. दिस वॉज थीटा एंड ये एंगल टू है आपका. दिस इज एंगल टू, दिस इज एंगल टू, है ना. अब आपको पता है कि आपका थीटा फाई के इक्वल है, ये तो आपको कंफर्म है, ठीक है. अब आप मुझे कहते हैं कि डी शिफ्ट होके कहां चला गया, ई पे. डी कहां चला गया, ई पे. और आपका ए बी सी, ए बी सी और डी किस फॉर्म में, इस समय डी आपका ई के फॉर्म में है. डी किस फॉर्म में, ई के फॉर्म में. तो आपको पता है कि ए बी सी ई कौन सा क्लिक है, ए बी सी ई, ए बी सी ई. डी कहां शिफ्ट हो गया, ई पे. और आप कह रहे हैं कि कौन सा क्लिक है, ठीक है. मैं मान रहा हूं कौन सा क्लिक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मैं मान रहा हूं कौन सा क्लिक है, ठीक. तो आप कहोगे कि सर ई पर पहुंच गए तो कौन सा क्लिक कैसे हो सकते हैं, जब ई और एफ पर हैं तब तो हम ये नहीं कह सकते कि ए बी सी, ये तो कौन सा क्लिक है. लेकिन जो डी यदि ई पर है या एफ पर है तो कौन सा क्लिक नहीं हो सकता, ठीक है ना. अब पहले मुझे बताइए कि आपका ये एंगल थीटा किसके इक्वल है, फाई के. आपकी थ्योरम में दिया हुआ है. तो आपने कहा सर डी कहां है इस समय, डी इस समय ले जाइए इस जगह पर, ये डी है, है ना. चला गया यहां पे. तो आपका थीटा किसके इक्वल है, तो इस समय आप कहेंगे थीटा इज इक्वल्स टू वन. और थीटा किसके इक्वल है, ये भी ध्यान रखना, फाई के इक्वल है. अच्छा, आपका डी यहां आ गया इस जगह पे, तो ये थीटा फाई के इक्वल है. तो आपके पास में थीटा इस समय, ये रहा, ये डी यहां आ गया. तो फाई कौन हुआ, टू. तो आपने कहा इस समय थीटा किसके इक्वल हो गया, टू के. थोड़ा समझना, देखो जब ये डी यहां है, इधर देखो ये डी यहां है, तो ये वाला एंगल क्या बना आपका, वन. देखो ए सी, ए सी बी थीटा, ए सी बी थीटा, ए डी बी वन, ए डी बी ये रहा वन. तो आपका यदि कोई कहता है कि सर ये रहा डी, इट इज डी, तो ये डी है. तो आप मुझे कहोगे थ्योरम कहती है कि दिस एंगल शुड बी दिस एंगल. तो सी पे एंगल कितना बना, थीटा. और वन पे एंगल क्या, डी पे एंगल कितना बना, डी पे एंगल बना वन. तो आपने कहा सर इस समय ये आपका वन है और थ्योरम कहती है थीटा शुड बी वन, मीन्स फाई की वैल्यू वन के इक्वल होनी चाहिए. और डी आपका शिफ्ट होके यहां आ गया, तो डी पे कितना एंगल बना, टू. तो डी पे एंगल बना कितना, टू, है ना. तो फाई की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, तो आपने कहा कि सर फाई की जो वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी टू की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है. तो अब आपको ये कंफर्म हो गया कि सर आपके पास में अब आपका फाई, ध्यान से देखना, किसके इक्वल हो गया, वन के इक्वल, जब डी यहां है. और आपका फाई किसके इक्वल हो गया, टू के इक्वल, जब डी यहां है. और आपका फाई किसके इक्वल था हमेशा, थीटा के इक्वल था. रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैं ना डी यहां से यहां चला गया इस जगह पे, मींस डी यहां चला गया. तो सी पे तो एंगल बनता है थीटा और डी पे बनता है फाई. इस समय डी पे कितना है, वन. तो फाई किसका रोल प्ले कर रहा है, वन का, मींस फाई इक्वल्स टू वन है. सपोज डी यहां से छोड़ के यहां आ गया, यहां आ गया एफ की पोजीशन पे, है ना. तो डी पे एंगल कितना बना, टू. तो डी पे एंगल बना टू, मींस फाई किसका रोल प्ले कर रहा है, टू का. तो फाई या तो वन होगा या फाई टू होगा. और फाई हमेशा किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, थीटा के इक्वल है. तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब आपका जो थीटा है वो क्या होना चाहिए, वन भी होना चाहिए. आपका जो फाई है वो वन भी होना चाहिए और टू भी होना चाहिए. अब
आप यहां से देख के बताओ कि क्या आपका ये सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन मैं यहां बनाता हूं आपके सामने, ये ए, ये आपका एफ, ये आपका डी और ये आपका ई, और ये आपके पास में है, हियर इट इज बी एंड ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। बहुत ध्यान से समझना, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अब एफ पे कितना एंगल बना, तो आप कहोगे एफ पे एंगल बना था 2, और डी पे कितना एंगल बना, तो आप कहोगे 5, और ई पे कितना एंगल बना, तो आप मुझे कहोगे दैट इट विल बी वन, है ना। और आपको पता है ये तीनों एंगल इक्वल नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि आपका एफ इज नियरेस्ट टू ए, सो एंगल 2 इज ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 1, एंगल 2 इज ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 1। लेकिन आप तो कह रहे हो कि आपका 5-1 के इक्वल भी होना चाहिए और आपका 5-2 के इक्वल भी होना चाहिए, तो आपका 5-1 के इक्वल और 2 के इक्वल कब हो सकता है, जब ये डी शिफ्ट होके यहां आ जाए और ये डी शिफ्ट होके यहां आ जाए, यहां डी हो आपका, मींस आपका डी ई और एफ तीनों क्या करें, कोइंसाइड करें, तभी आपका एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 5 इक्वल हो सकते हैं। और डी आपका यदि यहां आ गया तो ये कौन साइक्लिक हो गए, डी यहां आ गया तो कौन साइक्लिक हो गए, भाई यहां जब डी होगा तब तो थीटा हमेशा 5 के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ए बी कोड है और ए बी कोड आपकी है और इस ए बी आर्क में आपके एंगल थीटा और 5 हैं, तो इस कॉमन आर्क में कॉमन कोड जो है वो सेम एंगल बनाएगी, थीटा इक्वल्स टू 5 है, तो डी यहां होगा जब तो थीटा हमेशा 5 के इक्वल होगा। लेकिन यदि डी शिफ्ट होके ऊपर या नीचे की तरफ आया तो आप मुझे कहोगे कि 5 या तो 1 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, और आप कह रहे हो कौन साइक्लिक है, आप कह रहे हो कौन साइक्लिक है, मीन सर्कल आपका ई से भी जा रहा है या सर्कल आपका एफ से भी जा रहा है, तो सर्कल यदि ई से जाएगा, तो सर्कल यदि ई से गया आपके पास में यहां ई था, ई रहा, तो सर्कल यदि ई से पास आउट होता है तो आपका थीटा 1 के इक्वल होना चाहिए, और यदि सर्कल आपका जो है एफ से पास आउट होता है तो थीटा 2 के इक्वल होना चाहिए। और आपको पता है किसी भी हालत में थीटा 1 और 2 के इक्वल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि थीटा तो किसके इक्वल है, थीटा तो आपका 5 के इक्वल है, और थीटा यदि 5 के इक्वल है और आप कह सकते हो कि 2 और 1 5 से या तो बड़े या छोटे इक्वल तो नहीं है, तो 2 और 1 5 से या तो बड़े या छोटे, और आपका जो है 5 किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, तो थीटा कभी भी, ये थीटा कभी भी इस 1 और 2 के इक्वल नहीं होगा, ये थीटा आपका इस 1 के, अब देखना ये फाइनल चीज आ गई, ये थीटा आपका इस 1 के और इस 2 के इक्वल कब हो सकता है, थीटा 1 और 2 के इक्वल कब हो सकता है, जब ये ई कहां पहुंच जाए, डी पे, और एफ भी कहां पहुंच जाए, डी पे, उस समय 1 इज इक्वल्स टू 2, ई कहां पहुंच गया, डी पे, तो 1 किसके इक्वल हो गया, 5 के, एफ कहां पहुंच गया, डी पे, 2 किसके इक्वल हो गया, 5 के, तो 1 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 5 हो गया, और 5 किसके इक्वल है, थीटा के, और 5 इक्वल है थीटा के, तो आप कहोगे कि फिर तो सर्कल कहां से पास आउट होगा, फिर तो सर्कल आपका डी से पास आउट होगा, इसका मतलब ए बी सी डी कौन साइक्लिक होंगे, तो थीटा यदि 5 के इक्वल है तो ये कंफर्म है कि आपके पास ए बी सी डी कौन साइक्लिक होंगे। एग्रीड, बात समझ आ गई। यदि आपका थीटा 5 के इक्वल नहीं है, थीटा 5 के इक्वल नहीं है, तो ए बी सी तो कौन साइक्लिक हो सकते हैं, थीटा यदि 5 के इक्वल नहीं है तो ए बी सी तो कौन साइक्लिक हो सकते हैं, लेकिन डी का कौन साइक्लिक होना जरूरी नहीं है, और यदि थीटा 5 के इक्वल है तो डी ए बी और सी कौन साइक्लिक होंगे ही होंगे। एग्रीड, बस पढ़ते रहिए, थैंक यू।